चेन्नई सुपर किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले जा रहे मुकाबले में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर की समाप्ति के बाद 150 रन लगाए। इस दौरान टीम ने अपने 6 विकेट गंवाए, लेकिन 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे राजस्थान की टीम की शुरुआत आज बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। आपको बता दें कि आज राजस्थान के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जॉस बटलर एक बार फिर फ्लॉप होते नजर आए हैं। जॉस बटलर ने आज इस मुकाबले में 2 रन बनाए और अपना विकेट गंवा बैठे। सिमरजीत की अच्छी गेंद पर जॉस बटलर बोल्ड हो गए और सस्ते में पवेलियन लौट गए। आपको बता दें कि इस मैच में जॉस बटलर एक बार फिर से रन बनाने में असफल रहे हैं। जॉस बटलर ने इस सीजन काफी धमाकेदार शुरुआत की, जहां उन्होंने पहले 7 मैचों में 491 रन लगाए, जिसमें उनके बल्ले से 3 शतक भी निकले। लेकिन इस सीजन बाकी 7 मुकाबलों में जॉस बटलर कुछ इस तरह से खेले जैसे वो पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म हो। जॉस बटलर ने आखिरी 7 मैचों में मात्र 138 रन लगाए। इस दौरान उनका औसत 19.71 का रहा, तो वहीं स्ट्राइक रेट भी 111.29 का रहा। हैरानी वाली बात है कि जो शुरुआती 7 मैचों में खिलाड़ी 500 के करीब रन बनाता है, वहीं अगले 7 मैचों में 150 रन बनाने के लिए भी बल्लेबाज को संघर्ष करना पड़ता है। ये बताता है कि जॉस बटलर ने भले ही इस सीजन की शुरुआत शानदार की हो, लेकिन अब उनके बल्ले से रन आने कम हो गए हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।